रात्रि के अंतिम पहर में एक बुझी हुई चिता की भस्म पर अघोरी ने जैसे ही आसन लगाया, एक प्रेत ने उसकी गर्दन जकड़ ली और बोला, मैं जीवन भर विज्ञान का छात्र रहा और जीवन के उत्तरार्ध में तुम्हारे पुराणों की विचित्र कथाएं पढ़कर भ्रमित होता रहा। यदि तुम मुझे पौराणिक कथाओं की सार्थकता नहीं समझा सके तो मैं तुम्हें अभी इसी समय इसी भस्म में मिला दूंगा। अघोरी बोला, एक कथा सुनो। रेवतक राजा की पुत्री का नाम रेवती था। वो सामान्य कद के पुरुषों से बहुत लंबी थी। राजा उसके विवाह योग्य वर खोजकर थक गए और चिंतित रहने लगे। थक हार कर वो अपने योग बल द्वारा अपनी पुत्री रेवती को ब्रह्मलोक ले गए। राजा जब वहां पहुंचे तब गंधर्वों का गायन समारोह चल रहा था। राजा ने गायन समारोह समाप्त होने की प्रतीक्षा की। गायन समाप्ति के उपरांत ब्रह्मदेव ने राजा को देखा और पूछा, कहो कैसे आना हुआ? राजा ने कहा, प्रभु मेरी पुत्री के लिए आपने कोई वर बनाया अथवा नहीं? ब्रह्मदेव जोर से हंसे और बोले, जब तुम आए तब तक तो नहीं, पर जिस कालावधि में तुमने यहाँ गंधर्व गान सुना उतनी ही अवधि में पृथ्वी पर 27 चतुर्युग बीत चुके हैं और 28वां द्वापर समाप्ति की ओर है। अब तुम वहां जाओ और कृष्ण के बड़े भाई बलराम से इसका विवाह कर दो। और अच्छा हुआ कि तुम रेवती को साथ ले आए जिससे इसकी आयु नहीं बढ़ी। अब इस कथा का वैज्ञानिक संदर्भ समझें। आर्थर सी क्लार्क बहुत फेमस ऑथर है। उन्होंने आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की व्याख्या में एक बुक लिखी, मैन एंड स्पेस। इस बुक में गणना है कि यदि 10 वर्ष का बालक प्रकाश की गति वाले यान में बैठकर एंड्रोमेडा गैलेक्सी का एक चक्कर लगाए तो वापस आने पर उसकी आयु 66 वर्ष होगी, परंतु धरती पर 40 लाख वर्ष बीत चुके होंगे। ये आइंस्टाइन की टाइम डायलेशन थ्योरी ही तो है जिसके लिए जॉर्ज गैमो ने एक कॉमिक पोएम लिखी थी, देयर वाज अ यंग गर्ल नेम्ड मिस ब्राइट हु कुड ट्रैवल मच फास्टर देन लाइट, शी डिपार्टेड वन डे इन एन आइंस्टाइन वे एंड केम बैक द प्रीवियस नाइट। प्रेत वो कथा सुनकर चकित था, बोला, यह कथा नहीं, ये तो पौराणिक विज्ञान है। हमारी सभ्यता इतनी अद्भुत रही या विश्वसनीय है, इसीलिए आइंस्टाइन पुराणों को अपनी प्रेरणा कहते थे। अघोरी मुस्कुराता रहा और प्रेत वायु में विलीन हो गया।